बन गए। वोट डालने के बाद, सरकार बनने के बाद ये नेता लोग उल्टा आप ही के पास आते हैं और कहते हैं अब आप प्रूफ करो कि आप इस देश के सिटीजन हो, आप प्रूफ करो कि आप इस देश के नागरिक हो यहां पर। आप बोलोगे भाई ये क्या लॉजिक हुआ, जब वोट डालने से पहले तो मुझसे पूछा नहीं, तब तो वोट लेने थे ना यहां पर, वोट डालने के बाद अब मुझसे आकर प्रूफ मांग रहे हो यहां पर, तो ये लो जरा वोटर आईडी कार्ड इस प्रूफ ले लो। नहीं, वोटर आईडी कार्ड प्रूफ नहीं है कि आप इस देश के सिटीजन हो। फिर आप बोलोगे तो आधार कार्ड ले लो, मेरा यहां पर फिंगरप्रिंट दिए थे मैंने आधार कार्ड के लिए। नहीं, आधार कार्ड भी प्रूफ नहीं है कि आप इस देश के सिटीजन हो, पैन कार्ड भी प्रूफ नहीं है कि आप इस देश के सिटीजन हो, पासपोर्ट भी प्रूफ नहीं है कि आप इस देश के सिटीजन हो। ये है दोस्तों इनका नया नेशन वाइड एनआरसी का लॉजिक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद कहा है अपने लेटेस्ट टाइम्स नाउ के इंटरव्यू में, जरा सुनिए। तो ये आधार, ये वोटर कार्ड और ये जितने तमाम डॉक्यूमेंट होते हैं, ये क्या आपको अपने नागरिकता ना जी, पहचान नहीं ना देते? जी, ये नहीं है, इससे नागरिकता तय नहीं होती है और आधार से तो जरा भी नहीं तय होती। वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट कोई प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप का। ये चीज न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज रिपोर्ट ने भी बताई है, जिसको एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा सोर्स किया गया है यहां पर। पिछले वीडियो में मैंने आसाम में हुए एनआरसी को एक्सप्लेन किया था, लेकिन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यूज में कहा है कि जो नेशन वाइड एनआरसी होगा वो अलग होगा असम के एनआरसी से, वैसा नहीं प्रोसीजर किया जाएगा। तो उनके इंटरव्यूज के बेसिस पे, हमारे प्रधानमंत्री की स्पीचेस के बेसिस पे और जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आई है उनके बेसिस पे, आइए देखते हैं इस वीडियो में ये नेशन वाइड एनआरसी क्या होगा, कैसा दिख सकता है और ये एनपीआर क्या है, कैसे काम करेगा। अब आप यहां पर शायद पूछेंगे कि मैं नेशन वाइड एनआरसी की बात ही क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी लेटेस्ट स्पीच में कहा कि एनआरसी का कोई प्लान नहीं है। जब से इनकी नई सरकार आई है, नेशन वाइड एनआरसी की इन्होंने कभी चर्चा नहीं करी, कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बने हमारे देश में। एक चीज मैं कह दूं दोस्तों यहां पर, कि हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा झूठा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा अपनी जिंदगी में। ओपनली झूठ बोलते हैं चिल्ला चिल्ला कर, ये देखिए जरा। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। शायद इन्हें लगता है इतना उछल उछल कर, चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे तो लोग इनके झूठ को सच मान लेंगे। एक्चुअली में पता है क्या दोस्तों, ये एक प्रोपेगेंडा टेक्निक है, एक लॉजिकल फैलेसी है, जिसे जर्मन में कहते हैं ग्रोसे ल्यूगर, अ बिग लाई। इसको सबसे पहले मेंशन किया था जर्मनी के सबसे फेमस डिक्टेटर ने, जिसका नाम आप जानते ही होंगे। इसका मतलब यह है कि इतना बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो कि सुनने वाले को लगे वहां पर कि इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा आदमी बोल रहा है यहां पर, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, तो यह चीज झूठ नहीं हो सकती, ये चीज सच ही होगी यहां पर। और इस तरह से आप लोगों को बेवकूफ बनाओ, लोगों को बहकाओ। सच्चाई यह है कि अमित शाह ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7-8 भाषणों में अपने पिछले 5 सालों में बार बार नेशन वाइड एनआरसी पर चर्चा करी है। बार बार इन्होंने कहा है कि नेशन वाइड एनआरसी आएगा आएगा आएगा। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगी। एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी। देश भर के अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को हम लेकर आएंगे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। नहीं, देश भर में करना ही चाहिए, इसका नाम ही नेशनल सिटीजन रजिस्टर ऑफ सिटीजन है। एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। फिर मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा कि देश में कोई डिटेंशन सेंटर्स ही नहीं है। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल इस प्रोपेगेंडा टेक्निक का, न डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है, न हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर है। भाइयों बहनों, ये सफेद झूठ है, ये बद इरादे वाला खेल है, ये नापाक खेल है। डिटेंशन सेंटर अगर एक अफवाह है तो ये क्या है असम में? ये 40 करोड़ रुपए खर्च करके क्या है शॉपिंग मॉल बनाया है असम में? और कर्नाटका में क्या ये बच्चों का प्लेग्राउंड बनने जा रहा है यहां पर है? 120 किलोमीटर दूर है गुवाहाटी से, और यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं वो जो असम में जो डिक्लेयर फॉरेनर्स हैं उनको रखने के लिए एक्सक्लूसिवली डिटेंशन सेंटर है। इसके पहले फॉरेनर्स को जेल में रखा जाता था। तो आप कह रहे हैं कि ये डिटेंशन कैंप्स जो बन रहे हैं ये इस प्रोसेस का ही एक पार्ट है? नहीं, प्रशासन एडवांस में तैयारी करता है, कई बार अभी तो लीगल प्रोसेस चालू है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं यहां पर दोस्तों, ये जो डिटेंशन कैंप्स में लोग हैं ये हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो रो रहे हैं सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए।
आप ये वीडियो देखे जो बीबीसी ने लिया था इन डिटेंशन कैंप्स में जाकर इन लोगों का। हमारे जैसे हाउसवाइफ को ऐसे ही लेके गया और जेल में डाल दिया। एक रूम में कम से कम 50 आदमी 55 आदमी एक रूम में रखता था। बाथरूम का सामने सोना पड़ता है आदमी को। क्यों हो रहा जनी खुशी हमारे खेरे माल देने वाले किंतु पूछे ना कौन कौन था मुझे कौन था कि जगह जगह क्यों। ये इंटरव्यू वाले लोग हिंदू थे। वैसे मैं आपको बता दूं, कहीं आप इस गलत फहमी में हो कि मुस्लिम्स को ये चीज ज्यादा इफेक्ट होगी, आप हिंदू होगे तो बच के निकल जाओगे। पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था एक्चुअली, अमित शाह की पुरानी स्पीचेस को सुनकर मुझे लगता था कि मुस्लिम्स पर ये चीज ज्यादा इफेक्ट करेगी। तो जो सारे हिंदू बुद्ध जैन सिख क्रिश्चियन है उनको तो नागरिकता ही मिल जाएगी, एनआरसी का कहां सवाल है। हम सामने चलकर नागरिकता देने चाहते हैं उनको और इसमें कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं। लेकिन इनके लेटेस्ट इंटरव्यू सुनने के बाद ये लगता है कि चाहे आप हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो, ये सबको इफेक्ट करेगा ये एनआरसी। पहले मैं स्पष्टता कर दूं, एनआरसी में कोई धर्म के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं होनी। जो कोई भी एनआरसी के तहत इस देश का सिटीजन नहीं पाया जाएगा सबको निकाला जाएगा। एक बात तो इसमें सिर्फ मुसलमानों के लिए एनआरसी है ये कहने की बात मेरे हिसाब से गलत होगी। और रियलिटी पता है क्या दोस्तों, रियलिटी ये है कि जब अगर ऐसी कोई स्कीम कराई जाएगी हमारे देश में तो सबसे ज्यादा नुकसान इसमें आम आदमी का होगा, गरीब लोगों का होगा। जरा ये सोचकर देखिए कितने लोगों के पास खुद के बर्थ सर्टिफिकेट है, यहां पर अपने पेरेंट्स के अपने ग्रैंड पेरेंट्स के छोड़ दीजिए, कितने गरीब लोगों के पास यहां पर आपके खुद के बर्थ सर्टिफिकेट्स होंगे। अब कितने ऐसे लोग होंगे जिनके फ्लड्स में घर बह गए होंगे, कहां उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे किसी भी चीज के। अब बात यह है कि जिन लोगों के पास पैसा है वो तो अपनी कोई ना कोई सेटिंग करा लेंगे, वो अपने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेंगे या कुछ करा लेंगे, लेकिन गरीब लोगों को यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसी ही चीज नोटबंदी के वक्त हुई थी, डीमोनेटाइजेशन के वक्त हुई थी। इन्होंने कहा था डीमोनेटाइजेशन की वजह से जिन लोगों के पास काला धन होगा उन सबको बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा, लेकिन रियलिटी में हुआ क्या था, जिन लोगों के पास पैसा था उन्होंने अपने कमीशन देकर अपने ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करा लिया, एक नया धंधा खड़ा हो गया था। मतलब आओ काला धन यहां पर दो, हम कुछ परसेंटेज इसका रख लेंगे और आपका ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट करा देंगे। और यही चीज हुई तभी रियलिटी में आपने देखा होगा कि बाद में सारा पैसा बैंकों में वापस आ गया था नोटबंदी के बाद। तो नुकसान किसको हुआ, यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ आम आदमी को, गरीब लोगों को, जिनको हफ्तों भर लाइनों में खड़े होना पड़ा, जॉब लॉसेस हुए, उनके धंधे बंद हो गए, एक्चुअल जो असली बिजनेसेस चल रहे थे वो बंद हो गए, जीडीपी नीचे गिर गया, यहां पर इकोनॉमी को इतना बड़ा नुकसान हुआ लाखों करोड़ रुपए का। डीमोनेटाइजेशन की तरह नेशन वाइड एनआरसी में भी जीरो प्लानिंग है सरकार की तरफ से। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप खुद ही सोचकर देखिए, एक ऐसी स्कीम जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ कहते हैं, होम मिनिस्टर उसका उल्टा कहते हैं, यहां पर वहां पर तीसरा मिनिस्टर कोई कुछ और कहता है जो दोनों से डिसएग्री करता हो, तो सरकार खुद ही यहां पर क्लियर नहीं है कि वो करना क्या चाहते हैं यहां पर। मैं अभी भी यही कहूंगा कि मेरी राय में असली रीजन सरकार ये चीजें क्यों कर रही है, एनआरसी सीए, ये लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। ये लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं कि इकोनॉमिक स्लोडाउन इतना बढ़ गया है यहां पर, जीडीपी इतनी तेजी से नीचे जा रहा है, जॉब लॉसेस इतने ज्यादा हो रहे हैं, बिजनेसेस डाउन हो चुके हैं। इनफैक्ट लेटेस्ट रिपोर्ट जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर ओईसीडी ने बताया है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से हमारे देश को 2.8 लाख करोड़ रुपीज का नुकसान हुआ है। जरा सोच के देखिए कितना बड़ा नंबर है, 2.8 लाख करोड़। लेकिन हमारी सरकार क्या कहती है, नहीं हम करोड़ों रुपए खर्च करेंगे डिटेंशन सेंटर्स बनाने में, हम करोड़ों रुपए खर्च करेंगे एनआरसी को करवाने में। असम के एनआरसी में मैंने बताया था 1600 करोड़ रुपीज से ज्यादा का घोटाला हुआ था, इन्होंने कहा था, फिर भी नहीं हम पैसे खर्च करेंगे एनआरसी को कराने में। अब ये एक नई चीज लाए हैं, कहते हैं हम ये एनपीआर करेंगे। एनपीआर का मतलब है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। सरकार ने अभी भी इसके लिए ऑलमोस्ट 4000 करोड़ रुपीज सैंक्शन किए हैं करवाने के लिए। बेसिकली एक एक्सरसाइज है जिसमें सरकारी ऑफिशियल्स देश में रहने वाले सब लोगों के पास जाएंगे और उनका डेटा कलेक्ट करेंगे। अब सरकार कहती है किया जा रहा है सेंसिस 2021 के लिए, और एनपीआर वैसे कोई नई चीज नहीं है दोस्तों, एनपीआर 2010 में भी कराया गया था, लेकिन कुछ मेन डिफरेंसेस है यहां पर अब जो एनपीआर कराया जा रहा है और जो 2010 वाला एनपीआर था। जैसे कि रिपोर्ट्स ने बताया इस बारी के एनपीआर में एक जगह है, एक सेक्शन है जिसमें आपसे पूछते हैं आपके पेरेंट्स के प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में और उनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में। अब ये एक ऐसी चीज है जो एनपीआर को लिंक करती है एनआरसी से, क्योंकि असम में हमने देखा था कैसे पेरेंट्स के बर्थ सर्टिफिकेट, ग्रैंड पेरेंट्स के बर्थ सर्टिफिकेट जैसी चीजों की जरूरत पड़ी थी लोगों की सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए। तो एनपीआर में जो लोग डाउटफुल निकलेंगे उन पर एनआरसी अप्लाई कर दिया जाएगा। अब एक चीज यहां पर मैं कहना चाहूंगा, अमित शाह ने कहा था अपने 24 दिसंबर 2019 के इंटरव्यू में
कि एनपीआर में और एनआरसी में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों में कोई लिंक नहीं है किसी भी तरह का, ये दोनों प्रक्रिया का कोई लेन देन नहीं है, ना दोनों प्रक्रिया का एक दूसरे के सर्वे में उपयोग हो सकता है। एनपीआर के लिए जो अभी प्रक्रिया चलेगी इसका उपयोग कभी भी एनआरसी के लिए नहीं हो सकता, दो कानून भी अलग है। लेकिन ये चीज झूठ थी। रियलिटी ये है दोस्तों कि 26 नवंबर 2014 को सरकार के खुद के लोगों ने राज्यसभा में कहा था कि एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टू एनआरसी, और इस प्रूफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं, सरकार की खुद की वेबसाइट पर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, होम मिनिस्ट्री की खुद की एनुअल रिपोर्ट 2018-19 कहती है कि एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टू एनआरसी। और ये चीज दोस्तों एक दो बार नहीं बल्कि इन टोटल 9 अलग अलग बार सरकार ने मेंशन किया है कि एनपीआर और एनआरसी में एक लिंक है, एनपीआर एक फर्स्ट स्टेप है एनआरसी के लिए। मुझे समझ नहीं आता कि सरकार में बैठे लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं लोगों से, मतलब क्लियरली बताने में क्या जा रहा है। फिर मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि हाँ ये झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक ही रीजन हो सकता है, बस लोगों को डिस्ट्रैक्ट करो, लोगों को कंफ्यूज करो, असली इश्यूज से लोगों का ध्यान हटाओ, यहां पर कोई और रीजन मुझे समझ में नहीं आता। आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। एनपीआर और एनआरसी के बीच में स्ट्रॉन्ग लिंक की वजह से वेस्ट बंगाल और केरला के चीफ मिनिस्टर्स ने कहा है कि हमारी स्टेट में ये एनपीआर की एक्सरसाइज नहीं होगी, हमने रुकवा दिया यहां पर। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, आप फ्यूचर में ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पे, क्योंकि आप जैसे लोगों की फंडिंग की वजह से ही मैं ऐसे वीडियोस बना पाता हूं। मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह मेरे पास कोई बड़े बड़े पॉलिटिकल स्पॉन्सर्स नहीं है, कोई बड़े कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स नहीं है, सिर्फ क्राउड फंडिंग की वजह से ये चैनल चल पाता है, जिसकी वजह से आप ऐसे वीडियोस को देख पाते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।